देवियों और हरामियों, आप अपने निर्धारित मंजिल तक पहुंच चुके हैं। यहाँ का तापमान आपके लिए बहुत गर्म होने वाला है। कहते हैं एक चींटी ही काफी है हाथी की मारने के लिए, और यहाँ तो तीन तीन थी। मैम वेज नॉन वेज? 6 महीने से वेज नॉन वेज लगे हुए, वो भी फ्री में। उचित होगा कि आप अपने पतलून की पेटी को कस के बांध लें। अब जल्दी जल्दी मूंगफली के पैकेट भरना शुरू कर। मूंगफली का क्या करेंगे? सिग्नल पे बेचेंगे। जीनियस। पर मेरा इलाका है। And what is that? Crime. बस कर, क्लियोपेट्रा फाउंडेशन है, टाइम मशीन नहीं है। टिंगी टिंगी टाइम टिंगी। ये जो अभी आपने ट्रेलर देखा है, ये ट्रेलर है एक अपकमिंग मूवी, एक ये हीरोइन ओरिएंटेड मूवी है जिसका नाम है क्रियो। और इसमें आपने एक सबसे पहले डायलॉग सुना था जिसमें करीना कपूर की आवाज में आता है, देवियों और हरामियों। तो हरामियों वर्ड यहाँ पर यूज किया गया है जेंट्स के लिए, और देवियों वर्ड यूज किया गया लेडीज के लिए। जैसे कोई भी फंक्शन इवेंट पार्टीज होती हैं तो वहां पर उस प्रोग्राम को एड्रेस करने के लिए एक सेंटेंस बोला जाता है, लेडीज एंड जेंटलमैन। तो लेडीज एंड जेंटलमैन यानी कि जेंट्स जो होते हैं वो जेंटल होते हैं, इसका मतलब लेडीज जेंटल नहीं होती हैं। और उसी का बदला लेने के लिए इस फिल्म में ये सेंटेंस बोला गया है, देवियों और हरामियों, यानी कि औरतों के लिए देवी वर्ड का इस्तेमाल किया है और जेंट्स के लिए हरामी वर्ड का इस्तेमाल किया है। तो ये बात कर रहे हैं इस मूवी की, जिसके अंतर्गत आपको कपिल शर्मा का कैमियो देखने को भी मिलेगा और दिलजीत दोसांझ की भी इसमें केमिस्ट्री आपको मिलेगी। ये फिल्म है एक हीरोइन ओरिएंटेड मूवी। हीरोइन ओरिएंटेड मूवीज वो होती हैं जिनके अंदर हीरोइन मेन रोल में होती है, मेन कास्ट में होती है। और इसमें आपको देखने को मिल रही है 3 एक्ट्रेस जिनका नाम है करीना कपूर खान, तब्बू एंड कृति सैनन। तो इसके अंतर्गत ये तीनों एक्ट्रेस रोल प्ले करती हैं एयर होस्टेस का, क्रियू का, और ये कोई नूर की फ्लाइट इसमें दिखाई गई है। अच्छे डायलॉग्स यूज किए गए हैं। और लेकिन ये फिल्म शायद आपको, आपकी काइंड इन्फॉर्मेशन के लिए मैं बता देता हूँ कि इस फिल्म में आपको थोड़ी एडल्ट कॉमेडी देखने को मिलेगी। कुछ ऐसे डायलॉग्स होंगे जिनका डुअल मीनिंग हो सकता है, और कुछ ऐसे घटिया सीन भी हो सकते हैं जिनको आप फैमिली के साथ में नहीं दे सकते। लेकिन हाँ, इस मूवी के अंदर आपको कॉमेडी देखने को जरूर मिलेगी। ऐसा कहा जा रहा है कि इस फिल्म का जो बेस है यानी थीम जो है वो किसी एक ऐसी रॉबरी प्लॉटिंग के बारे में है, कोई ऐसी डकैती प्लॉटिंग षड्यंत्र होता है जिसमें ये तीनों एक्ट्रेस जल्दी से अमीर बनने के लिए कोशिश करती हैं, क्योंकि की जो जॉब है उस जॉब से ये कहीं ना कहीं सेटिस्फाइड नहीं है कि रोज उनको वही पैसेंजर्स के साथ में मॉलेस्टेशन फेस करना पड़ता है। यानी कि एक जो एयर होस्टेस होती है उनका जीवन कैसा होता है, बहुत ज़्यादा कॉस्ट्यूम यूज करना, बहुत सारे कपड़े पहनना, बहुत सारा मेकअप यूज करना, जिससे कई बार स्किन भी खराब हो जाती है, और फिर भी उनको उतनी खासी सैलरी अच्छी नहीं मिल पाती है जिसकी वजह से वो अपने खर्चे नहीं उठा पाते हैं। और तो और फ्लाइट में लोगों का एक गलत व्यवहार, लोगों के साथ में पैसेंजर्स उनके साथ में थोड़ा सा गलत बैड टच करना, या उनका एंटरटेन उनको गलत तरीके से उनके साथ में वार्तालाप करना, गलत भाषा का इस्तेमाल करना, तो ऐसी लाइफ से छुटकारा पाने के लिए किसी ऐसे काम पर निकल जाती हैं जहां पर थोड़ा बहुत क्राइम होगा, एक्शन होगा, और कुछ चोरी होगी, कोई रॉबरी होगी, और जल्दी से अमीर बनने की कोशिश करती हैं। तो ऐसी शायद एक फिल्म हो सकती है। फिल्म एक लो बजट की है, ज़्यादा महंगी फिल्म नहीं है, और ये फिल्म रिलीज हो रही है 29 मार्च 2024 को, यानी कि इस महीने में आफ्टर होली। दिस इज द ट्रेलर एंड दिस इज माय रिव्यू ओवर द अपकमिंग मूवी, इट्स नेम इज क्रियो। इफ यू आर रियली इंटरेस्टेड टू वॉच दिस मूवी, सो यू कैन वॉच दिस मूवी इन सिनेमा हॉल, यू कैन बुक योर टिकट ऑनलाइन। एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो, सो प्लीज फॉलो अवर पेज, सब्सक्राइब अवर चैनल, शेयर दिस वीडियो, कमेंट योर वैल्यूएबल फीडबैक over this trailer and over my
review what you feel about my review over the movies and be ready to watch such kind of adult comedy in movies on 29th of March 2024 and by that time enjoy it. We are coming back after this video with a new upcoming movies trailer and review. Thank you. Have a great time.